नमस्कार दोस्तों, वेलकम फॉर दिस वीडियो। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं जो हाइपरसोनिक टेस्ट हुआ, सक्सेस हुआ उसके बारे में, और उसी के बारे में राजनाथ सिंह ने बधाई देते हुए कहा है कि इस टेस्ट के बारे में आज के दिन ही 11:03 पर इस टेस्ट को 5 मिनट तक लंबा चलाया गया था और इसमें अग्नि बूस्टर मिसाइल का भी यूज़ किया गया था और इसमें स्क्रैमजेट इंजन के साथ ही अगले 5 सालों में हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप कर सके जो कि मैक्सिस की रफ्तार से तेज उड़ती हो। और इसमें मिस्टर सतीश रेड्डी जी की टीम और उन्होंने ही लीड किया। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर हमारे देश का एक हाइपरसोनिक व्हीकल को बनाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था और इसका यूज़ एक छोटी सेटेलाइट को बनाने में भी किया जा सकता है। और इसका जो बैक बॉडी है वह एक एग्जैक्ट नोजल का वर्क करती है और 2019 में इसे एक टेस्ट किया गया था जिसके लिए अब्दुल कलाम आईजीएन की टीम ने किया था। दोस्तों आपको बताएं कि एक हाइपर मिसाइल को डेवलप करना इतना आसान नहीं हो क्योंकि उसके लिए यूज करने के लिए स्क्रैमजेट इंजन होना चाहिए जो कि हाइपर की स्पीड अचीव करता है और इसका टेम्परेचर भी अचीव करता हो और इससे इसके पार्ट कुछ बहुत ज़्यादा मजबूत भी चाहिए होते हैं। और इसके लिए इसके हमारी हेल्प इजराइल रसिया कर रही है। हालांकि इजराइल में यह मिसाइल का टेस्ट और इसको बहुत पहले ही डेवलप कर लिया गया था परंतु इसमें भारत में कुछ इसमें सुधार करके और इसमें मजबूत इंजन बनाया गया है क्योंकि इसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इसके लिए जो अगला आने वाला प्रोजेक्ट ब्रह्मोस 2 है उसके लिए इससे रसिया से बातचीत की गई है और इसरो से भी, और जो इसके आगे का प्रोजेक्ट है अवतार स्पेस प्लेन उसमें भी इसका इम्पोर्टेंट उपयोग होगा, इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें जिससे आपको ऐसी न्यूज़ आगे मिलती रहें।